बिग बॉस का 13वां सीजन अपने ग्रैंड प्रीमियर से ही विवादों में बना हुआ है। इस नए सीजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते ये शो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गया है। इस बार सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स के घर में एंट्री करने से पहले ही ये तय कर दिया था कि उनका BFF यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कौन होगा। इसके तहत इस बार एक बेड पर दो लोग साथ में सोएंगे। इसमें लड़का और लड़की एक ही बेड साथ में शेयर कर रहे हैं। शनिवार को बिग बॉस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और इसके बाद ट्विटर पर इसे लेकर कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर कई लोग लव जेहाद, फैलाता बिग बॉस, बायकॉट बिग बॉस और अनसब्सक्राइब कलर्स टीवी जैसे हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि बिग बॉस के जरिए लव जेहाद को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी नेता सत्यदेव पचौरी ने लिखा, एक समय था जब रामायण, महाभारत, चाणक्य और महाराणा प्रताप जैसे सीरियल दिखाए जाते थे और आज बिग बॉस रोडीज या सास बहू के झगड़े दिखाकर देश की युवा जनरेशन की मानसिकता को सड़ाया जा रहा है। हमारे देश के कुछ मीडिया वाले घटिया प्रोग्रामों को TRP देने का काम करते हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, सलमान जी फिल्मी पर्दे पर देशभक्त का रोल करने वाला बिग बॉस में इतना गिर गया, पैसे के लिए ये गलत देखकर आंखें बंद कर दी है, या आप परोक्ष रूप से पैसों के लालच में लड़कियों से ये सब कराते हुए लव जेहाद को बढ़ा रहे हो, आप भी किसी को बहन मानते हो ना। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, ये कलर चैनल पर आने वाला बिग बॉस रियलिटी शो है या भारतीय हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का अड्डा। दूसरे यूजर ने लिखा, बिग बॉस के खिलाफ कैंपेन चलाओ मित्रों, ये शो हमारी भारतीय संस्कृति की धजिया उड़ा रहा है, ये बैन होना चाहिए। गौरतलब है कि शनिवार को वीकेंड का वार में सलमान खान ने घर वालों की जमकर क्लास लगाई थी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी टीवी और फिल्मी गलियारों से जुड़ी हुई लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए देखते रहें फिल्मी पंचायत।